माननीय सुशील कुमार मोदी जी मार्गदर्शक मंडल में भेजे जाने की भाजपा की अपरोक्ष नीति से भयभीत होकर स्वाभाविक है। आप राजनीति में बयान का शीर्षासन कर रहे हैं, आपको तो इस बात का एहसास है कि 2024 में क्या होने वाला है, क्योंकि आप उस समय भाजपा के मुख्य धारा में थे कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 42 जनसभाएं की थी 2015 के विधानसभा चुनाव में और मात्र 53 सीट आपको हासिल हुआ था। आपके आदरणीय गृह मंत्री जो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उन्होंने भविष्यवाणी की थी, समय तय कर दिया था कि कब चुनाव परिणाम आएगा, कब इस्तीफा होगा, कब ओथ होगा। तो स्वाभाविक रूप से आपको तो इस बात का एहसास है कि महागठबंधन का आकार लेने के बाद चुनाव परिणाम 2024 में जो आने वाला है, वह आपको स्वाभाविक रूप से उसका पूर्ण एहसास है। ऐसी स्थिति में आपका बयान केवल इस बात के लिए माना जाएगा कि आप भयाक्रांत हैं कि भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व ने बिहार से तो बाहर कर ही दिया, अब हमको मार्गदर्शक मंडल में भेज रहा है, इसलिए स्पेस बनाने के लिए, जगह बनाने के लिए आप बयान दे रहे हैं। शीर्षासन करते रहिए, ये नए दौर का भाजपा है, मोदी जी अमित शाह का भाजपा है, मार्गदर्शक मंडल में तो आपको भेजेगा ही।